तस्वादुमन्यसुरवर्जदेहिनं सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहा हे त्वातुपादं गृहमन्दकूपं वनं गतः याद हरिमाश्रये। शिल भक्ति सिद्धांत श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपा जी ने बताए, अधक्ष जो वस्तु भगवान के सेवा करने का इच्छा नहीं होता जीवों के हृदय में, बद्ध जीवों का हृदय में अधक्ष जो वस्तु भगवान का सेवा करने का इच्छा क्यों नहीं होता। खर वस्तु नाशवान वस्तु का सेवा इसके लिए बड़ा भारी इच्छा तो पैदा होता ही है, लेकिन अधक्ष जो वस्तु का सेवा के लिए किसी के हृदय में बद्ध जीवों के हृदय में भाव पैदा नहीं होता, इच्छा नहीं पैदा होती। अधक्ष जो वस्तु कौन है क्या है इसका बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। अधक्ष जो वस्तु का बारे में श्रील जीव गोस्वामी पाद सुंदर बताएं, अधक कृत अक्षज ज्ञानम तथा इंद्रियज ज्ञानम जैन इति अधक्षजम। अधक्षज वस्तु वे हैं जिसको अपना इंद्रियो ज्ञान के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा बुद्धि के द्वारा विवेक के द्वारा किसी भी हालत से जिस तत्व को समझा नहीं जा सकता। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधाया न बहुन श्रुत्व न बहुन श्रुते न, ये श्लोक उपनिषद में आता है। जिसको जानना असंभव है, अपना जितना मनी पावर है मैन पावर है एजुकेशनल पावर है जो कुछ भी है तमाम ताकत को लेकर एक साथ बाजी लगाने का बाद भी जो तत्व को समझना संभव नहीं है इसी को बोला जाता है अधक्षज तत्व। अधकृत अक्षज ज्ञानम, हमारा ये जगत में पैदा होने का बाद बहुत सारे ज्ञान हमने संग्रह किए हैं, ये जगत में आविर्भाव होने का बाद बहुत सारे ज्ञान हमने इकट्ठा किए हैं, जो कि ये शरीर छोड़ने का बाद कोई काम में नहीं आएगा। शरीर छोड़ने का बाद जो सब ज्ञान हमने एजुकेशन व जितना सारे नॉलेज हमारा प्राप्त हुआ है आज तक, शरीर छूटने का बात ये कभी आपका किसी काम का नहीं है। ये जो है ज्ञान इसको दे के जानने का कोशिश करना पर तत्व के ये संभव नहीं है, इसलिए जीव को सही बात बताते अधक्य तो अक्षज ज्ञानम, अर्थात ये जगत से जितना सारे ज्ञान को आपने संग्रह किए हो अधकृत इसको धक्का लगा के नीचे फेंकने का बाद जो तत्व अपना महिमा स्वयं स्वराठ महिमा के द्वारा अपना पोजीशन में अविचलित अवस्था विचरण करते हैं इसको ही अधक्ष जो तत्व बोला जाता है। अच्युतो जिसका नाम है हु इज नेवर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम हिज ओन पोजीशन, जो अपना स्थिति से कभी हटते नहीं है, जिसका बारे में ही भागवत जी महापुराण का पहला स्कंद का पहला श्लोक में बताया गया, यन्माद सूयतो अन्मयाद इतराश्चार्थ सवीक्य सराटो तेने ब्रह्म हिदाज आदि कवये मह्यंति यत्सूरयो तेजो बारिमिदाम यथा विनिमयो तिसरगहम ऋषा।
धान्यास्तेनो निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रील व्यासदेव जी गोस्वामी ये कोई साधारण आदमी नहीं है, साक्षात भगवान का शक्ताभिष अवतार। भगवान ने व्यास रूप पकड़ कर ये सब जितना सारे शास्त्र है तमाम ये सब विचारों को हमारा सामने पेश कर दिया, क्योंकि बद्ध जीवों का जो जिंदगी है इसमें कोई सर्टेनिटी कोई निश्चयता नहीं है कब क्या हो जाए। इसीलिए उपनिषद में बताया था खुरस्वधारा निशीतया दुर्गम पथस्तक कवयो वदंती। ऋषि मुनियों ने संत महात्मा ने तुमको आशीर्वाद करके बोलते हैं हे उठो क्या मुर्दा का मापिक सोए हुए उत्तिष्ठ तो जागृत प्राप्त वरानो निबोध तो खुरस्वधारा निशीतया दुर्गम पथस्तक कवयो वदंती। कवयो जितना सारे संत महात्मा ऋषि मुनि जो है दिव्य ज्ञान जिनका हृदय में प्रकाशित, इन्होंने आम लोग हमारा जगतवासी को ये जो जगतवासी है ये सबको जगाने का कोशिश कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि महाराज हम तो जगे हुए हैं, लेकिन शास्त्र बोलते हैं ये जगे हुए नहीं है मुर्दा है। जगे हुए आदमी जो है इसको शास्त्रों की परिभाषा है पूर्णतम चेतन में विगत प्रतिष्ठित है, पूर्ण चेतन फुल्ली कंसियस सोल परिपूर्णतम चेतन में प्रतिष्ठित व्यक्ति आविष्कार करते हैं कि भगवान छोड़कर दुनिया में कोई हमारा अपना है नहीं। और जिसका चेतना महाराज धीरे धीरे सुप्त होते गए वो मानुष्य जन्म प्राप्त होने का बावजूद उसका विचार उस तक पहुंच नहीं पाता कि हमको भगवत भजन करना ही उचित रहेगा, ये समझ नहीं पाते। मुनि ऋषियों ने सब कोई को आशीर्वाद करके जगाते हैं उठो जागो प्राप्त वराणो। तुम्हारा तो ये आशीर्वाद जो जो बेनेडिक्शन है जो कृपा ये तो तुम्हारा ड्यू है, तुम्हारा लिए तो अपेक्षित है, तुम क्यों नहीं ले रहे हो। तुम्हारा लिए जितना सारे अमृत है तुम्हारा लिए जो जितना सारे कृपा है ये तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं ले रहे हो। जिसको वरदान बोलते हो ना वहां ये बोलते हैं, यहां बताते हैं प्राप्पो वराणो। प्राप्पो माने तुम्हारा तुम्हारा प्राप्त होना चाहिए, तुम्हारा लिए ही आया है तुम क्यों नहीं ले रहे हो। वराणो मतलब वरदान तुम्हारा लिए है, लेकिन चेतना इतना नीचे गिर गया कि महाराज उसका होश नहीं है। है तो वो बोलेंगे महाराज हम तो जागृत हैं हम तो काम धंधा करते सब करते हैं, लेकिन शास्त्रों के जो परिभाषा है समझना मुश्किल है। इसमें जागृत अवस्था जो है ये मतलब परिपूर्णतम विकसित चेतन जो है ये प्राप्त होने का बाद आदमी का ख्याल आता है कि हरिभजन छोड़ के मेरा कोई दूसरा चिंतन है नहीं। श्रील व्यासदेव जी गोस्वामी तमाम वेद उपनिषद महाभारत 18 पुराण का अंदर भागवत भी आता है सब हमारा सामने धर दिए, लेकिन हमारा अक्ल नहीं होता कि हमको ये सबसे क्या लेना देना, कुछ विचार नहीं पैदा होता। इतना ही अज्ञान का अंधेरा में डूबते जा रहा है। इसीलिए गुरुजी का मंत्र में बोलते हैं अज्ञान अतिविरंधस्य ज्ञानांजन सलक्या चक्षुरन्मितम जेन तस्मै से गुरुवे नमः। मतलब गुरुजी गुरु वैष्णव का जरूरत है, गुरु वैष्णव छोड़ के आपको ये दिव्य ज्ञान अप्राकृत ज्ञान
किसी भी हालत से आपको मिलेगा नहीं। इसका कंडीशन भी बता चुका मैं कई बार पिछले दिनों में। तद्विद्धि प्रणिपाते न परिवेशन न सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। तत्वदर्शी महापुरुष जो है वो आपको ये दिव्य ज्ञान उपदेश जरूर करेंगे, लेकिन आप तक आपका तरफ से तीन कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। वो तीन कंडीशन क्या है वो हमने बोला अभी। पहले परिप्रश्न प्रणिपात परिप्रश्न और सेवा, इसका बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा पहले कर चुका है, फिर भी कह देते हैं। प्रणिपात मतलब अनकंडीशनल सरेंडर। हमको ठाकुर जी हमारा भर्ती कर देंगे, हमारा घर को सब हैं, धन दौलत आए, घर का कष्ट मिटे, तन का जय जगदीश हरे, ये तो बनियापन। बनिया लोग तो ऐसा करेगा, ये देव ये देव, इसको भक्ति नहीं बोला जाता है। ये भक्ति नहीं, ये तो बिजनेस है। वास्तव बात यह है कि उसमें कोई शर्त नहीं रहेगा। अनंत ब्रह्मांडों का मालिक जगन्नाथ को प्रीति करना ये स्वाभाविक है, लेकिन क्यों करता नहीं, इसका क्वेश्चन हमारे सामने करते हैं, महाराज क्यों करते नहीं। और भगवान तो घार धक्का करके हमको भक्ति में लगा दे सकता, इसका उत्तर थोड़ा ये है। भगवान धक्का देने का भगवान का इच्छा नहीं है, किसी को धक्का लगा के अपना भक्ति में लगा ये इच्छा नहीं, क्योंकि जीवों का अंदर स्वतंत्रता दिया हुआ है, उसको फ्रीडम दिया गया, स्वाधीनता। वो स्वाधीनता जीवात्मा का जो स्वरूप में है, भगवान का स्वरूप में तो है ही है, आज जीवात्मा का स्वरूप में भी स्वाधीनता लिबर्टी वो है। भगवान चाहते हैं कि वो स्वाभाविक हमारा ओर आकर्षित होकर आए, ये अच्छा है, लेकिन धक्का लगा के उसको हमारा भजन में हमारा भक्ति में लगा दे ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं होगा। इसलिए भगवान किसी को आसन कहाँ, भगवान किसी को जोर जबरदस्ती करते नहीं। दूसरा बात यह है कि बद्ध अवस्था में क्यों भगवान का वो ओर आकर्षित नहीं होता, इसका कारण ये है कि जब देखो किसी लोहे का टुकड़ा पड़ा हुआ है, वो लोहे का टुकड़ा का सामने एक मैग्नेट चुंबक आकर्षक रख दिया गया, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कि लोहे का टुकड़े को ये चुंबक आकर्षित नहीं करते मैग्नेट, इसका कारण क्या है। बोले महाराज ये तो लोहे का है और इसको तो आकर्षण करना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है। बोले इसके पीछे कारण है, वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि ध्यान से देखो उसमें लोहे का ऊपर जो है एक ठो फेरिक ऑक्साइड का एक ठो लेयर गिर गया, अर्थात मरचा जिसको बोलते हैं आयरन, उसका ऊपर लाल लाल किस्म का एक ठो पानी और एयर, इसके द्वारा उसका ऊपर एक फेरिक ऑक्साइड का एक ठो आवरण पड़ता है, इसके द्वारा उसका आकर्षित होने का जो क्षमता है, फेरिक ऑक्साइड का एक ठो ऊपर में एक ठो लेयर लग गया, इसके कारण क्या हो रहा है ना, बोला मैग्नेट इसको आकर्षण करना चाहिए लेकिन कर नहीं पाता। यही कारण है माया का आवरण जीवात्मा के ऊपर पड़ गया, इसी कारण भगवान का वो जो स्वाभाविक जो खिंचावट है आपका अनुभव में नहीं आता है। जो भी है भागवत का श्रीमद् भागवत जी महापुराण को जो पहला श्लोक बताया था
उसमें व्यासदेव जी गोस्वामी तमाम दुनिया को हाथ फैला कर बुलाते हैं, सब आओ हमारा सामने आओ, सब आओ। व्यासदेव गोस्वामी जी सब जीवात्मा को बुला रहे हैं कि हमारा सामने आ जाओ और हम सब मिलकर सत्यम परम धीमही, वो परम वस्तु का ध्यान करे धीमही, ये बहुवचन लगाया गया। अतः सब कोई को प्रार्थना कर रहे हैं, स्वार्थी आदमी कोई अच्छा चीज को अपना लिए रख दे ऐसा कोई व्यवस्था इधर नहीं है। व्यासदेव जी तमाम दुनिया का मंगल चाहते हैं इसलिए सब कोई को बुला रहे हैं जो हमारा सामने आ जाओ और ये परम वस्तु का ध्यान करे बैठ के, और महाराज ध्यान करे वस्तु का। अब क्वेश्चन आ रहा है कि ध्यान करे, अब जो बताए हूं अब पहले भी आप हरि कथा में बोल चुके हों कि कलिकाल में हरि संकीर्तन छोड़ के ध्यान आदि नहीं चलेगा, पहले बताए थे। त्रेता युग में अलग चीज है, कृते यत धैतो विष्णु त्रेतायम जजतो मखोई और दापरे परिचर्यायम कलौ तद हरि कीर्तनात्। ये जो चार किस्म का स्पेसिफाइड भजन का प्रोसीड्योर, इसका बारे में डिटेल चर्चा करने का समय नहीं है। सत्ययुग में 100,000 बरस आयु हुआ करता था, उसमें 10 साल 20 साल ध्यान भी लगा ले फिर भी उसका बस 80,000 साल का उम्र बचा हुआ है। और त्रेता युग में महाराज एक एक आदमी का उम्र रिड्यूस होकर 10,000 साल तक हुआ। 12,000 साल तक तो रामचंद्र जी खुद ही राजत्व किए, तो ऐसा होता ही है। 100 साल का आदमी का उम्र है 120 साल 125 साल जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जिए हो ही सकता, ये विशेष बात हो सकता है कभी कभी। और फिर दापर युग में 1,000 साल का आयु हो गया, 1,000 साल आयु दापर युग में, और कलिकाल में महाराज 100 साल का आयु, वो भी कोली बढ़ते चले हैं उसमें कोई ठिकाना नहीं, एवरेज आयु तो 50-60 ऐसा ही घूमता फिरता है, तो इसका कोई ठिकाना नहीं। इतना छोटा सा आयु लेकर तुमने क्या करोगे, इसमें कोई ठिकाना है नहीं, क्या करोगे आप, कौन सी मंगल करोगे। ऐसे तो बचपन में लिखा पढ़ा आदि करते करते समय चला गया, थोड़ा बहुत बड़ा हुआ जब युवक हुआ उसमें फिर नौकरी चाकरी धंधा का बाद उसके बाद शादी, बस बुढ़ापा आ गया मर गया, यही तो तुम्हारा जिंदगी है, इसमें तो कुछ होता नहीं बनता नहीं ज्यादातर। ये जो सत्ययुग में ध्यान का प्रोसीड्योर बताया इसमें उन लोगों में ताकत था, प्योरिटी था, ताकत था सब कुछ। और दापर युग में जग जाग यज्ञों का विधान किया गया, और त्रेता युग में जाग यज्ञों का विधान किया गया, और दापर युग में यज्ञ पूजा आदि व्यवस्था है। कलिकाल में इतना कमजोरी है आदमी, बिना पानी बिना अन्य रह नहीं सकता, दुर्बल आदमी है, रोग शोक बीमारी से कातर है, उसके लिए तो कुछ साधन संभव नहीं। इसलिए भगवान ने करुणा करके इनको संकीर्तन में लगा दिया। इसका मतलब ये मत समझो कि सत्ययुग में दाप त्रेता युग में दापर युग में संकीर्तन का कोई दरकार नहीं है, ऐसा मत समझो। इन इन युग में जो व्यवस्था बताएं, हर युगों में ही संकीर्तन का प्रभाव सबसे ऊंचा है, कोई भी युग सत्व चेता जावत किसी भी युग में संकीर्तन का प्रभाव सबसे ज्यादा है ही है। फिर भी ये सब साधन बताया कि अगर कोई संकीर्तन ना करे, बाकी जो व्यवस्था दिया गया करे तो चलेगा, लेकिन कलिकाल में विशेष रूप से संकीर्तन तो है ही है।
उसका लिए तो। और शुक्राचार्यों का एक उदाहरण दे दे, जब बलि महाराज का यज्ञ रुक गया था, बलि महाराज का यज्ञ रुक गया था, बलि महाराज को वामन देव ने बंधन में लाया, सब कुछ हो गया। बहुत सारे कहानी है श्रीमद भागवत जी महापुराण में आते हैं। इसके बाद यज्ञों को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए शुक्राचार्य जी ने भगवान का पास प्रार्थना किया और भगवान का भी इच्छा है यज्ञ पूरा हो जाए। ये तो भक्तराज है बलि महाराज। तो शुक्राचार्य जी ने सुंदर बताया कि यज्ञ कैसे हुए, यज्ञ तो नष्ट हो गया, पकड़ा गया, फिर मन तो सब बंद हो गया, अभी हल्ला मच गया। शुक्राचार्य जी ने तब सत्य युग में बताए, मंततः छिद्यम तंततः छिद्यम देशो कालो समारहतः सर्वम निश्चिद्यम करोति तव नाम संकीर्तनम। हे ठाकुर जी, आपका जो संकीर्तन है ये संकीर्तन ही मंत्रों का कोई डिफेक्ट हो गया, तंत्रों का कोई डिफेक्ट हो गया, कुछ भी हो गया, देश काल वस्तु का शुद्धि का भी प्रसंग आता है, जरूर आता है, क्योंकि वस्तु शुद्धि नहीं है तो ये यज्ञ हो नहीं पाएगा। आप सुहा बोल के देओगे कि देवता लोग ग्रहण नहीं करेंगे, वस्तु शुद्धि नहीं है। घी लाने जाओगे यज्ञ में चढ़ाने के लिए, चर्बी लाए हो, खाने के लिए जो घी लाते हो सब चर्बी है, घी नहीं है। भारतवर्ष में पूरा तमाम इंडिया में जितना घी का जरूरी है, आवश्यक है, विशुद्ध घी का सरकार से घोषित है, अनाउंस्ड किया गया, उनका 30% भी हमारा बस का काम नहीं है। सरकार से स्टैटिस्टिक्स दिया गया जब वास्तव घी शुद्ध घी 30% भी हमारा हिम्मत नहीं है कि ये जो जरूरी है उसको दे। तो हमारा क्वेश्चन है, बाजार में जो मिलता है तो क्या घी नहीं है, क्या है, मिलावट है, कहा करे। ऐसा करके देखा जाए तो कलिक सत्य, ये जो सत्य युग में हमारा बलि महाराज जी का यज्ञ में बताया गया था शुक्राचार्य जी, किसी भी हालत का कमी है आपका घर में, संकीर्तन में, ऐ यज्ञ में, वो संकीर्तन के द्वारा, संकीर्तन वास्तव संकीर्तन नाटकबाजी नहीं है, संत पहुंचा हुआ संत महात्मा का मुखारविंद से हरि कीर्तन चलते रहें, वे संकीर्तन के द्वारा जितना किस्म का डिफेक्ट्स है मंत्रों का उच्चारण का है, या तो देश काल का कोई डिफेक्ट्स आ गया, कुछ भी हो गया, सब कुछ आपका संकीर्तन के द्वारा ही परिपूर्ण हो जाएगा, इसका बारे में भागवत में बताएगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने बताए, सत्यम परम धीमहि, ये शब्दों के द्वारा आदमी लोगों का गलत फहमी हो सकता है कि व्यासदेव जी ने तो बता दिया ध्यान करो, तो आप क्यों ऐसे पीछे पड़ रहे हो। इसका व्याख्या करते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने बताए, ध्यान करने का मतलब आप क्या समझा, सत्ययुग के ध्यान का बात बोला। प्रभुपाद जी बोलते हैं हरि कीर्तन के द्वारा सबसे ज्यादा ध्यान होता है, हरि कीर्तन के द्वारा, हरि संकीर्तन के द्वारा जितना अच्छा ध्यान होता है उतना अच्छा ध्यान किसी भी हालत से हो नहीं सकता। मेरा बात समझने का बाहर है आपका। जब संकीर्तन करो, हरि कथा बोलो, तो आपका चिंतन भगवान का चरण में लगे रहेगा। जैसे उद्धव जी ने नंद महाराज को उपदेश किए, आप चुपचाप भगवान का चिंतन करो तो हो जाएगा। गोपियों का पास उद्धव जी उपदेश दिए, क्यों आप लोग इतना दुख
दुख दुख में डूब गए। भगवान का चिंतन करो तो हो जाएगा। तो गोपियों ने बोला ध्यान तो दूर की बात है, तू कैसे कृष्ण को भूले, ऐसा कोई रास्ता है तो बता। मतलब आंखों खोलकर हमारा गौरी और गुरुवर को जो है ध्यान लगा रहे हैं, समझा नहीं मेरा बात। ये तो आंखें मूंद के जो ध्यान का प्रोसीजर है वो तो ध्यान करते हैं, लेकिन आंखें खोल के हमारा गुरुवर को ध्यान करते हैं, क्योंकि उसका मन में हर वक्त श्याम सुंदर गौरंग महाप्रभु विराजित है, उसको अलग से आंखें मूंदने का दरकार नहीं है। प्रभुपाद जी ने बताया कि संकीर्तन के द्वारा ही सबसे बड़ा ध्यान होता है। और यज्ञों का बाद जो तेता युग का आता है, इसमें भी प्रभुपाद जी ने बताए कि जो जितना बड़े बड़े यज्ञ हैं, राष्ट्रीय यज्ञ हैं, अश्वमेध यज्ञ हैं, कुछ भी हैं, तमाम शास्त्रों का विचार ये है जो जितना सारे अश्वमेध यज्ञ, राष्ट्रीय यज्ञ जो कुछ भी है, उस समय में विधान अर्थात विधान दिया गया ये एक कर सकते हो यज्ञ। लेकिन संकीर्तन भगवान का नाम संकीर्तन के द्वारा सबसे बड़ा यज्ञ होता है, नाम यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ होता है। और जो अर्चन है, अर्चन कैसे करोगे, कलिकाल में तबीयत खराब है, बीमारी है, इसको लेकर अर्चन नहीं होता। आपका मतलब मन में काम बैठा हुआ है, क्रोध बैठा हुआ है, सरूपी जब तक रहता है, हरि भक्ति विलास में लिखा हुआ है, तब तक वो व्यक्ति सार्वभौम को अर्चन नहीं कर सकता। हरि भक्ति विलास में लिखा हुआ है जिसका अंदर में काम है, वो अगर सार्वभौम को पकड़ लिया नहाने के लिए, तो सार्वभौम बोलता है कि हमको जैसे लगता है कि कोई छुरी देखे, बल्लम है ना, बल्लम देखे एकदम मर रहा है, हमको मार रहा है, पीट रहा है, खून निकालता है हमारा, सालगाम जी का कहना है। हरिभक्ति विलास में सनातन गोसाई जी लिखे हैं जे अगर किसी का अंदर में काम है, क्रोध है, इसी अवस्था में अगर पूजन करे सालगाम का मंदिर में, उसका द्वारा तो अर्चन होगा नहीं और फिर उल्टा हो जाता है, और असुस्थ अवस्था में होता नहीं, और किसी अंग का हानि हो जाए उसके द्वारा भी संभव होता नहीं, मुश्किल हो जाता है। ऐसा करके देखा जाए, प्रभुपाद जी ने प्रमाण किए, ये जन्मादश श्लोक का उधरी व्याख्या में प्रमाण किए, जो संकीर्तन के द्वारा ही सबसे प्यारा, सबसे ज्यादा आपका फायदा मिलेगा, इससे ज्यादा फायदा कोई कभी नहीं मिल सकता। काल जो श्लोक दे के शुरुआत किया है, आज भी वो श्लोक का टच किया है, क्यों, भले उसका व्याख्या काल हो नहीं पाया, वो श्लोक था क्या, बल्कि हिरण्यकशिपु श्री प्रहलाद महाराज जी का सामने प्रश्न रख दिया, जो तू क्या अच्छा समझता है, क्योंकि हिरण्यकशिपु का सामने बालक को ले आया, उसका जो शिक्षक है शंडो और अमर को जो है दो ले आया पुत्र को, हिरण्यकशिपु के सामने राजा है। हिरण्यकशिपु सोचा कि कोई विशेष क्वेश्चन करे, प्रश्न करे तो बच्चा घबरा जाएगा, तो उसको बोले बड़ा बेटा, कहने का मतलब है तू जो सीख के आया है, ऐसा तो नहीं बोला कुछ सीख के आया है, बोलो तू जो सीखा है उसमें से कुछ असली बता। तो उसमें प्रहलाद महाराज सोचा कि तू जो सीखा है, मैंने तो मातृगर्भ में पहले सीख लिया, गुरु नारद जी महाभागवत इनके सामने सीख लिया, तो जब क्वेश्चन कर दिया कि तू अच्छा क्या समझता है, ये क्वेश्चन जब कर दिया तो प्रहलाद महाराज जी खुल्ला में खुल्ला बता दिया, तत्साधु मन्ने असुर वर्ज देहिनम सदा समुद भिघ्न धिया म सदगृहा हित्वातुपातम गिहमंदकूपम वनम गतः यद हरिमास्त्रये। इस श्लोक का थोड़ा व्याख्या सुन लो। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि तत्साधु मन हे असुर वर्ज देही नाम, हे असुर पिता, एक छोटा 5 साल का बालक
पिता को कैसे सम्मान दे रहा है देखो। बोले तत् साधु मन्ने हे असुर वर्जो दे ही नाम, हे असुर वर्जो असुर कुलों में सबसे श्रेष्ठ है ऐसा डेजिग्नेशन ऐसा उपाधि दे दिया। और बोले तत् साधु मन्ने हे असुर वर्जो दे ही नाम, अर्थात देहोधारी मानव जाति जो है, देहोधारी जो मनुष्य जाति है, इनके लिए तो सोचते हैं कि ये सबसे बड़ा अच्छा है। तत्साधु मन्ने हे असुर वर्जो देही नाम, सदा समुद्विघ्न धिया मसद्गुरुहात, असद्गुरु सोनीचर पकड़ लिया या तो मंगल खराब है तो बड़ा परेशान है, एस्ट्रोलॉजर का पास दौड़ते हैं, महाराज क्या किया जाए, कुछ विधान कर दो, बड़ा लस चल रहा है सब कुछ। तो ये जो दौड़ धूप है उसके द्वारा कि उनका जो ग्रह तारा है उसका जो विन्यास है उसके द्वारा तो एस्ट्रोलॉजी में है ही है, एस्ट्रोलॉजर में वो चेंज होते रहते, कभी खराब है कभी अच्छा है, ऐसा समय जाता है। तो प्रहलाद महाराज जी ने बताएं कि ये जो परेशान है, ये जगत का आदमी जो परेशान है इस बातों से कि हमारा शनिचर का ग्रह पकड़ लिया, मंगल खराब है और महाराज हम कहाँ जाए, ये जो विचार है, सदा समद्विघ्न धिया, धिया मतलब अपना अंतकरण में कोई सेटलमेंट है ही नहीं, सेटलमेंट मतलब एकदम स्थिर अवस्था नहीं है, हर वक्त उसका जो बेचैनी बने रहते हैं इसका दिल में, इसका क्या समाधान है, बता सदा समद्विघ्न धिया असद ग्रहात, असद ग्रह इसका चक्कर से चक्कर में पड़कर जीवों का तो ऐसा ऐसा हालत होते रहते हैं। और इसमें हम समझते हैं असद ग्रहात हित्वात्तुपातम, हित्वा मतलब त्याग करके, आत्तुपातम गृहमंध कूपम, अर्थात ये जो अंध ये जो गृह है आपका घरवार जो है जिसमें घर गृहस्थी बैठा कर बड़ा मजा मौज ले रहे हो, इसका बारे में बताया कि अंधकूप है, ये अंधकूप है, इससे निकालना संभव नहीं है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये अंधकूप से किसी भी हालत से छुटकारा लेकर हम चाहते हैं कि वनम गतः यद हरिमाश्रय, वन में चले जाओ जाके हरिचरण का आश्रय करो, बोल रहे हैं ना। अब वन जाने का क्या मतलब है, वन में चले जाओ बोला तो हम मठ मंदिर छोड़ के सब वन में चले जाए, यही तो माने आएगा आम आदमी, तो ये सोचेगा। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि किसी भी हालत से ये संसार कूप से, कूप में पड़ा हुआ जीव किसी भी हालत से इसे निकाल कर और निकाल के जंगल में जाए और वनम गतः यद हरिमाश्रय, हरिचरण को आश्रय करे। इसमें विशेष बात होता है कि कलिकाल में आदमी चंचल है, ये वन में जाए तो वन में जाके तो स्थिर नहीं होगा, क्योंकि चंचल मन लेके वन में जाए कि मंदिर में जाए, जहां भी जाए मन तो चंचल ही रहेगा। तो इसमें कैसा बात बोला प्रहलाद महाराज जी, इसमें समाधान क्या है, चंचल मन को लेकर जहां भी जाओगे, सर्व रिपु जिसका बस में नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मदमाश्चर्य सर्व रिपु जिसका बस में नहीं है, वो कभी भी महात्मा वास्तव महात्मा बन नहीं सकता। और जिसका सर्व रूपी बस में है वो मंदिर में रहे या घर में रहे कहां भी रहे, उसका लिए कोई समस्या नहीं। जैसे जनक महाराज जी, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज सब क्या किया, रंतिदेव किया ना, जर भरत सारे अपना सर्वरूपू बस में था। इसका बारे में कल समय हो तो हम चर्चा करेंगे। उसमें ब्रह्मा जी महाराज अपना पोता प्रिय व्रतों कितना है, प्रिय व्रतों के कितना सुंदर उपदेश दे रहे हैं, सब एक साथ करे तो अच्छा नहीं है,
प्रिय व्रतों को सुंदर बता रहे हैं। जब तक तुम्हारा इंद्रिय बस में नहीं है बेट, तुम अगर जंगल में जाओ तो वहां भी तुम्हारा परेशानी है। कल इस विषय में चर्चा करें। आज विशेष बात होता है कि प्रहलाद महाराज जो बनम गत यद हरिमाश्रय बोला, इसका क्या समाधान है? बनम गत यद हरिमाश्रय, इसका बारे में बनम गत यद हरिमाश्रय, इसका बारे में भगवान श्री कृष्ण 11वां स्कंध में खुल्लम खुल्ला बता दिया उद्धव को। वन में जाने का मतलब क्या है, इसका उत्तर प्रहलाद महाराज जी हमारा उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण दे दिए 11वां स्कंध में। बनम तु सत्विकम वासम राजसम ग्राम उच्चते तामसम दूत सदनम, ऐसा मन निकतनम स्तु निर्गुणम, इसका उत्तर दे दिया उद्धव जी को। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, देखो वन का मतलब है सात्विक वास, अर्थात संत महात्मा के बीच में रहकर हरि संकीर्तन में व्यस्त रहो। जैसे ब्रह्मा जी दशम स्कंद ने बताया, क्या बताया, जो हम क्या चाहते हैं, भले स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभीर, ये जो श्लोक है इसमें स्थाने स्थिता, ये जो शब्द है इसका व्याख्या विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने किए हैं कि ब्रह्मा जी का कहने का मतलब है जो साधुगण सकाशे स्थिता स्थाने स्थिता सत्यगताम तनुवांग मने भी, भले काय मन वाक्य के द्वारा संत महात्मा का सामने हम रहेंगे, क्योंकि संत महात्मा का काम ही ये है हरि संकीर्तन करना, इसमें हमारा सुजोग हो जाएगा, हम संकीर्तन में व्यस्त रहेंगे और हमको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम समस्या सताएगा नहीं। इसी तो बोला तत्ते अनुकंपा ससमेक्षमानम भुंजान एन एव आत्मकृत विपाकम ऋद्वाग बपुभीर विदधन नमस्ते, ये जो श्लोक है ये सब श्लोकों का सब व्याख्या होना चाहिए। एक एक दिन कभी प्रसंग आएगा तो बताने का कोशिश करूं। अभी यह प्रश्न आता है कि जब सर्वरूपो अपना बस में नहीं है, उसको लेकर जंगल में जाओ तो कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर खुदकुशी करोगे समस्या का समाधान नहीं होगा, समस्या का समाधान हरिभजन में है। उसमें इधर बताया भगवान श्री कृष्ण जी जो बनम तु सत्विकम वासम, अतः साधु संघ में रहकर हर वक्त हरि संकीर्तन में रहना, इसको ही हम वन में वनवास हम सोचते हैं, हम बताते हैं। और राजस वास ग्राम में, वास ग्राम में आकर रहो, संतों का भेष बना दे, ग्राम में रहो ज्यादातर सुविधा मिलेगा, ये सब चक्कर में तो उसका ग्रामवास हो गया। और दूत जहाँ जुए अलग अलग किस्म का जुए चलते रहते हैं, और वहाँ तो तामसवास हो गया ना। और हमारा मठ मंदिर जो है, हमारा धाम में जो व्यवस्था है रहने का, मन निकतनम स्तु निर्गुणम, निर्गुण मतलब प्रकृति का जो तीन गुण जो है सत्र रज तम, जिसके द्वारा ही आपका इतना समस्या फैले हुए हैं, ये तीन गुण का कोई उपस्थित नहीं हो सकता धाम में। अगर वास्तव धाम में वास करो तो उसमें आपका त्रिगुण का कोई धक्का आ नहीं सकता। भगवान निर्गुण है, ये शंकर जी का धाम है, भगवान श्री कृष्ण का ही भजन के लिए बताया ये श्लोकों में दो एक जो चर्चा किया, सब भगवान श्री कृष्ण का भजन के बाद। अब हम आज का विशेष स्थिति है, श्री शंकर भगवान का थोड़ा तत्व को सामने रख दे तो आपको थोड़ा कंपैरेटिव स्टेटमेंट आ जाएगा, क्यों भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए और भगवान शंकर भगवान का तत्व का बारे में बताने चाहिए तो बहुत समय लगेगा। लेकिन भोले भंडारी इसका थोड़ा गुणावली हम बताएंगे, थोड़ा
कहानी बताएंगे भागवत से दो चार जगह से, ब्रह्म संहिता में बताया गया, इस बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। शंकर भगवान का तत्व क्या है, इसका बारे में डिटेल डिस्कशन बहुत दिन लगेगा। हम आज उनके थोड़ा महिमा को सामने रख देंगे और वो भगवान का साथ उसका संबंध क्या है, और शंकर भगवान को हम जो प्यार करते हैं, व्रत रखते हैं, किस हिसाब से रखते हैं, समाज के आदमी कैसा हिसाब से भगवान को, शंकर भगवान को प्यार करते हैं, इसमें क्या कंजूसी है, ये सब थोड़ा चीज हम बताने का कोशिश करेंगे। ब्रह्म संहिता कोई साधारण किताब नहीं है, पहले भी बता चुके हैं, ये ब्रह्मा जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो अनुभव मिले थे, ये अनुभव को ही सामने रख दिए। ब्रह्म संहिता का नाम, ब्रह्म संहिता का बहुत सारे अध्याय है, लेकिन पंचम अध्याय हमारा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके हमारा सामने पेश किए, गौड़ीय समाज में तमाम दुनिया को आज मिल गया। वहां एक श्लोक आता है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहि ततः पृथक अस्ति हेतु ज संबतम उपि ज संबुतम उपि समुपैति कार्यात गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। श्लोकों का विचार सुनो ठीक से, श्लोकों का तो माने तो समझ में नहीं आएगा, हम थोड़ा बताने का कोशिश करें, फिर कुछ असली जगह हो तो वहां थोड़ा कुल्लम कुल्ला और बताएंगे। क्षीरम यथा दधि विशेष विकार योगत संजायते नहि ततः पृथक अस्ति हेतु। यहां बताया गया कि जैसे गोमाता का दूध, दूध है ना आपके पास, और दूध को क्या करते हैं, दूध को दही बनाना है तो क्या करते हो, दूध में थोड़ा दही थोड़ा सा देके उसको गर्म करने के बाद दूध दही देके उसको लगा के ढक्कन दे देते हो, आज सुबह में आके देखो तो दही बन गया है ना। खीरम जथा दधि विकार विशेष जोगत संजायते नहीं तथा पृथक अस्ति हेतु, और दूसरा कोई कारण नहीं, ऐसे तो होता दधि। और जो संभुतम उपी सौपैति कर जात, जो भगवान गोविंद है जिसका बारे में अंतिम पंक्ति में हमने बताया, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ये गोविंद जी जो है, ये जो गोविंद जी जो है इनका ही वंदना किया गया, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, हम वो गोविंद देव को भजन करे। शंकराचार्य जो भी वो बोल के गया, काल भी उठाया था, भजो गोविंदम भजो गोविंदम गोविंदम भजे मूरमते गोविंदम भजो मूरमते, ऐसा संप्राप्ते सन्निहित्वे काले नहीं नहीं रक्षति डुंक्रिय करने भजो गोविंदम भजो गोविंद गोविंदं वजो मूरमते। संप्राप्ति सन्निहित काले, जब मौत का बारी आ जाएगा तब पोता पोती को बुला के कुछ फायदा नहीं होगा। बताया इधर, संप्राप्ति सन्निहित काले नहीं नहीं रक्षति डुंक्रियो करणे, तुम्हारा व्याकरण का विसर्ग अनुस्वार कहां सप्तमी विभक्ति है, कहां सोष्टी विभक्ति है, कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होगा। जब तक भगवान का चरण में प्रीति नहीं करोगे तो मरोगे, कुछ नहीं होगा। कान खोलकर सुन लो, खूब करो पोता पोती ये वो सब करो, अंतिम समय में अकेला सब छोड़ के जाना पड़ेगा। वो बोलने का समय गा देते हो लेकिन अनुभव में उतारता नहीं, बस बातें करने में लग जाता है, क्या कथा सुन के क्या फायदा है, उसको ऐसा बताते हैं महाराज ये है। तो शंकराचार्य जी खुद बताए, व्याकरण पढ़ के भी कुछ फायदा नहीं है, कुछ भी करो और देखो
दक्ष जी क्या किया था, उसका नाम दक्ष क्यों पड़ गया था? दक्ष का अंग्रेजी माने है एफिशिएंट, एफिशिएंट। दक्ष का मतलब एफिशिएंट, किस बात में, किस बात का एफिशिएंसी महाराज? बोलो कर्मकांड में, गृहस्थी में, कर्मकांडी में एफिशिएंट। दैट्स व्हाई इसका नाम पड़ गया क्या, दक्ष है, कोई नहीं जानता। और उन्होंने शंकर जैसा हैं भागवत प्रिय इनको अपमान किया था, इसका प्रसंग हम उठाएंगे। फिर दो एक भागवत का कहानी बताएंगे, हमारा वाणी का विश्राम देंगे। यहां श्लोकों का तात्पर्य है, ऐसे दूध के स्वाद आपका दधी योग करने का बाद रख दो तो वो धीरे धीरे पूरा दधी बन जाता, लेकिन वो तो है तो दूध ही था, दूध के साथ दही योग किया तो, लेकिन है तो दूध, दूध ही तो था, लेकिन दूध से दही हुआ है। आपको अगर बोले महाराज क्यों आप दही किया, हमको दही से फिर दूध बना दो, तो संभव है? कोई अगर बोले हमको दही नहीं चाहिए, हमको दूध चाहिए, दही को फिर दूध बना दो, ये संभव है? कभी संभव नहीं। ऐसे प्रमाण दिया ब्रह्म संहिता में, जैसे खीर दही का संयुक्त तो होकर ऐसा विकार बनकर दही बन गया, ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण जब कभी जरूरत पड़ता है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ये बनकर सृष्टि स्थिति और पालन ये काम करते हैं। भागवत में सब विचार है। अब ये शंकर भगवान का बारे में जो तत्व है, इसको बहुत टाइम लगे। ब्रह्मा जी का जो तत्व है इससे कई गुना ऊपर, शंकर भगवान का तत्व जो है वो ब्रह्मा जी का तत्व का बराबर नहीं है, ब्रह्मा जी का तत्व से बहुत ऊंचा। ब्रह्मा जी डरते हैं शंकर जी का जो तत्व है, इतना पावर है। इसका बारे में बताऊं, ब्रह्मा जन्म कैसे होता है, शंकर जो इधर रुद्र इसका कब होता है, कैसे, उस बहुत सारे विचार हैं। अभी शंकर भगवान बड़े भोले वाले हैं, भागवत का ही विचार है। निम्न गानम यथा गंगा देवानम अच्युतो यथा वैष्णवानम यथा शंभु पुराणानम तु इदम भागवतम। यह हमारा नहीं, भागवत का श्लोक है। निम्न गानम यथा गंगा, जितना नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, देवानम अच्युतो यथा, जितना देवता का भी अर्चन कर लो, पर देवता देवता नहीं है, देवताओं में जो सर्वश्रेष्ठ है वो क्या है, पर देवता, उसका नाम है अच्युत कृष्ण गोविंद, ये श्रेष्ठ है। और वैष्णवों में शंकर भगवान से बढ़कर और कुछ नहीं है, शंकर भगवान सबसे श्रेष्ठ है। वैष्णवानम यथा शंभु, वैष्णवानम यथा शंभु, इसका ऊपर नहीं। आप प्रश्न आएगा कि महाराज नदियों में जमुना नदी तो सबसे बड़ा है, झगड़ा आएगा। इसका उत्तर यह है कि जमुना नदी को ये गिनती में नहीं लाया गया। क्यों? जमुना तो गोलोक का है, जमुना का स्थान है गोलोक में, तो जमुना का साथ ये बाकी नदियों का कोई तुलना का हो ही नहीं सकता। जैसे जितना सा तीर्थ है, वृंदावन को तीर्थ बोलो तो अपराध होगा, ये तो भगवान का धाम है, स्वयं भगवान कृष्ण का आवास भूमि है, लीला क्षेत्र है, तो इसको मर्यादा रखना चाहिए। तो वैष्णवानाम यथासंभु, इसमें प्रश्न आता है कि क्या हमारा वृंदावन का ब्रज, हमने तो पढ़ा है भागवत में, वैष्णव लोग बोलते हैं गोपियों से बढ़कर कोई तो नहीं है, ब्रजवासियों से बढ़कर भगवान का भक्त है। फिर वही बात आ गया कि वृंदावन गोलोक धाम का अंदर में जो चीज है उसका साथ ये सब तुलना हम जोड़ते नहीं, भागवत जोड़ा नहीं, इसीलिए बोला वैष्णवानाम यथासंभव। वैष्णव जो है वो तो भगवान का अलग विचार है, तो वैष्णवानाम यथासंभव। इनका दो एक कहानी हम बता दें, इसमें पता चल जाएगा
कि भगवान श्री कृष्ण का भजन कैसा करना है। और चैतन्य भागवत में हमारा बताया हुआ, चैतन्य महाप्रभु खुद बताते हैं, जो हमारा शंकर को भजन नहीं करते, जो शिव को भजन नहीं, शिव को प्यार नहीं करते, पूजा नहीं करते, वो मेरे को क्यों पूजा करता है। चैतन्य महाप्रभु का बात है, वृंदावन दास ठाकुर है, जे शिव के ना पूजे से मोरे पूजे कैनो, ऐसा बंगला में है सब लिखा। शंकर भगवान का एक भक्त आया था नवद्वीप धाम में, चैतन्य महाप्रभु का तब का लीला था गौरांग महाप्रभु घर में, तो उस टाइम में जब शंकर का भक्त आया तो चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु क्या किए, छलंग लगाकर उसके कांत पे चढ़ गया और चढ़ के जो हल्ला मचारे, शंकर का नाम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे। तो ये सब देख के पता चलता है कि शंकर भगवान का स्थिति क्या है। जो भी है, अब देखो भागवत में एक आता है वृकासुर का प्रसंग, बहुत सारे प्रसंग आता है, दो एक हम उठाएंगे। वृकासुर नामक शकुनी नंदन, उन्होंने पता कर लिया नारद जी का पास, नारद जी को पूछे कि देखो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों में किसका जल्दी जल्दी प्राप्ति हो सकता है, माने हम जल्दी भजन करें तो प्राप्ति हो जाएगा। तो नारद जी ने बोला देखो इन तीनों में शंकर ज्यादा आशुतोष उसका नाम है, भजन करो तो जल्दी तुष्ट हो जाता। बोले ठीक है। उसका जानकारी लेकर उन्होंने क्या किया, अलकानंदा का किनारे में जाकर केदार क्षेत्रों में बैठ गया भजन में, और ऐसा तपस्या किया बिना पानी बिना भोजन। तो उसके बाद भी शंकर भगवान का दर्शन नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया, आत्मक्रवेण मतलब अपना शरीर का जो मांस है मांस है इसको आग में आहुति देना शुरू कर दिया शंकर भगवान का नाम ले। जब ऐसा कर दिया तो शंकर भगवान को रहा नहीं गया, तो आके उसका हाथ पकड़ लिया धुरजटी, बोले अरे बेटा मर क्यों रहे हो, क्या चाहिए बताओ। बोले महाराज हमको बर चाहिए। तो बर ले लो, क्या बर चाहिए आपको। और शंकर भगवान की कृपा के द्वारा जब स्पर्श कर लिए हाथ को रोका, क्योंकि वो अंतिम में अपना गला को काटकर आग में फेंक देने का चक्कर में था, तो शंकर आगे हाथ को पकड़े बेटा रुक जा ऐसा क्यों कर रहे। तो उस टाइम में बोले क्या चाहिए, बोले वर चाहिए। कौन सी वर चाहिए, बोला महाराज हमको ऐसा वर चाहिए कि जिस जिसका सर पर हम हाथ रख देंगे वो जल के खाक हो जाएगा। शंकर ने बोला ये भी कोई वर हुआ, कितना सारे मांगने का चीज है, लो मांग लिया ऐसा कि जिस जिसका सर पर मैं हाथ रख दूं तो जल के भस्म हो जाए। तो बोले ठीक है चल दे दिया ये बात, शंकर भगवान तो देते ही हैं। और देने का बाद क्या किया, वो क्या किया, बोले ये वृकासुर ने शंकर भगवान को ही परीक्षा करने के लिए उसका पीछे दौड़ा, शंकर भगवान का सर पर हाथ रखने के लिए। जब बाबा ने दौड़ा भोले भंडन एकदम दौड़ लगा, रे क्या कर रहा है मेरा माथे पे हाथ रखने का, अरे रुको हम परीक्षा करेंगे तुम्हारा माथ में। अरे वो दौड़े, दौड़ते दौड़ते परेशान हो गया, जहां जहां दौड़े तो भी दौड़े, तो बचने का उपाय नहीं है तो ठाकुर जी को शरण किए, भगवान को, भगवान आप तुम ही शरण हो बचाओ मेरे को, ये असुर तो मेरे को मार डालेगा, हमने तो बर दिया है ऐसा। तो ठाकुर जी क्या किया, बटुक बामन छोटे से एकदम बनकर प्रकट हो गए। अरे शकुनी नंदन क्यों दौड़ रहे हो, अपना शरीर देखो कितना सुंदर तुम्हारा शरीर है, ये शरीर को तुम बेकार बाजी में लगा दे, दौड़ रहे क्यों, क्या बात है बोलो। अरे अभी टाइम नहीं है। अरे टाइम ना बता के तो जाओ, ये भी तो हो सकता है मैं कुछ समाधान निकाल दू। बोले महाराज क्या बताए कि ये दौड़ रहा है, देखो वो मेरे को बर दिया है कि जिसका माथे पे हम हाथ रख दूं मर जाए जल जाएगा, तो हम उसका माथे पे रखने गया तो दौड़ दिया। बोले तुम भी बेकूफ हो। बोले क्यों, बोले तुम जानते नहीं हो शमशान में रहता है कि भूत प्रेतों का साथ उसका बातों का कोई ठिकाना है, जानते नहीं हो। बोले हाँ वो तो जानते हैं, उसका बर का कोई वैल्यू है, तुम दौड़ रहे पीछे, तुम्हारा अपना सर नहीं है, तुम देख नहीं सकते, झूठा का ही का।
तो भगवान का बातों में आ गया, भगवान का माया में अपना ही सर पे हाथ रख दिया और जल के भस्म हो गया। तो भगवान का माया ऐसा है। तो शंकर भगवान जबी जबी समस्या हुआ तो किसका, भगवान का शरण लिया। इधर देखो दक्ष यज्ञ जो हुआ, दक्ष क्या है, प्रजापति है, ब्रह्मा जी ने उसका एक ऊंचा पद दे दिया कि जगतवासी जितने हैं वो प्रजापति है सबका। तो इसके द्वारा इसका दिल में बड़ा अहंकार आया, क्योंकि बड़ा पद मिल गया तो अहंकार तो आएगा। उन्होंने जब एक सभा में आया तो सभा में जितना सारे देवता लोग बैठा हुआ था पहले से उठ के खड़ा हो गया। दक्षो पधारे हैं, दक्षो को देखकर सारे खड़ा हो गया, लेकिन एकमात्र शंकर और ब्रह्मा खड़ा नहीं, शंकर भगवान खड़ा नहीं हुआ। तो शंकर भगवान खड़ा क्यों नहीं हुआ, इसका भी तत्व है। तो दक्षो का मन में बड़ा भारी अभिमान हुआ कि ये तो संबंध लगता है मेरा जमात, मेरा बेटा का बराबर, शिष्य का बराबर, उसका बुद्धि तो खराब है। तो इन्होंने बोलना शुरू किया, देखो ये उठकर खड़ा नहीं हुआ, बाकी सारे खड़ा हो गए, इसका कितना देखो, ये तो मेरा लगता है हमारा शिष्य शिष्य जैसा है, वो खड़ा होके सम्मान नहीं किया, बड़ा बड़ा गाली दिया और गाली देके उधर से निकल गया। उसके बाद दक्षयज्ञ हुआ, बहुत सारे कहानी है इसमें भी, क्या है, शंकर भगवान का तत्व का प्रकाश होता है। शंकर भगवान ने देवी का पास सामने साफा बोल दिया, देवी हमने खड़ा हुआ था लेकिन मन ही मन खड़ा हुआ था, जिसका प्रज्ञा प्रतिष्ठित है वो उसको खड़ा होने का दरकार नहीं होता, जिसका प्रज्ञा प्रतिष्ठित है सर्वभूतों में भगवान को दर्शन करते हैं उसको खड़ा होके खड़ा होना जरूरी नहीं है। इसलिए शंकर भगवान ने सम्मान किया है मन का अंदर, लेकिन वो देखा नहीं इसलिए साफ दे दिया। दक्ष यज्ञ हो गया, उसका बाद शंकर भगवान का पास जब सब देवता लोग आए ब्रह्मा तक भी मनाने के लिए, उस टाइम में उसका अवस्था देखो, शंकर भगवान ने बोले, ब्रह्मा जी ने बोले, देखो ये सब क्षमा कर दो, जो हुआ है सो हुआ है। तो उस टाइम में बताएं कि हम इन लोगों का कोई दोष पकड़ते ही नहीं, क्योंकि इनका तो परमंश अवस्था है, भले इनके दोष हम पकड़ते ही नहीं, लेकिन ये शास्ती देने को देना जरूरी हो गया, क्योंकि समाज संसार में मर्यादा हानि क्या होता है, इसका कोई सबक ना सिखाए तो इसको अक्केल नहीं होगा। इसलिए हमने दुख जो गोवा जो भी है यज्ञ पूरा करो, आज यज्ञो वही क्या, विष्णु यज्ञ क्या है, यज्ञ मतलब विष्णु। तो हर हालत में विचार करके देखो, हम लोग जब भगवान शंकर का पूजन करते हैं किस हिसाब से करते हैं, कि ये भगवान का गुणमय अवतार, और ऐसा इससे बढ़कर भक्तो हो ही नहीं सकता। भगवान शंकर का कृपा के द्वारा हजारों हजारों उदाहरण है, भक्ति मिला है, यहां तक कि शास्त्रों में किसी भी महाभारत या किसी भी शास्त्रों को खोलो उसमें देखो पल पल में आएगा शंकर उवाचो, शिव उवाचो, है ना, मंत्र तंत्र को भी निकालो तो उसमें देखो कि हर पल पल में आएगा, क्या आएगा, शिव उवाचो, शंकर उवाचो। तो ये जगत गुरु हैं, ये इसका चरण में भक्ति प्रार्थना करना, ये जरूर भक्ति देंगे, लेकिन आम दुनिया का जो पागल आदमी है इनके लिए तो ये क्या करता है, ये माया का वस्तु दे देते हैं, क्योंकि है तो आवरण है ना, उसका तमोगुण का बाहर में आवरण है, अंतर में तो वैष्णव श्रेष्ठ हो, इसका ऊपर नहीं है। तो शंकर भगवान का पास, भगवान के चरणों में भक्ति प्रार्थना करना, भोले बाबा का पास कुछ भी दुनियादारी का चीज मांगो तो दे देंगे,
लेकिन ये फांसी का फंदा बन जाएगा आपका लिए, ये सोच के रखना। ज्यादा बोलने का समय नहीं है, ये दोनों हमने साइड बाय साइड चर्चा किया, तो आपको कम से कम ये समझ में आए कि भगवान का ही आराधना का विधान दिया गया। क्योंकि शंकर भगवान खुद अपना जवान से क्या बोला पार्वती देवी को, आराधनानं सर्वेषां विष्णुर आराधनानं परम तस्मात् परतरं देवी त्वदीयानं समर्चनम्। विष्णु आराधना का ऊपर कुछ नहीं हो सकता, और उससे भी अगर ज्यादा कुछ है तो इनके भक्तों का आराधना करो तो आप जल्दी मालामाल हो जाओगे। आप भोले बाबा भी भोले भंडारी, किसका भंडारी है, किस खजाने का भंडारी है, प्रेम भक्ति का भंडारी है। क्योंकि माल कुछ माल मांगोगे वराम को ऐसा दे दो, शंकर जी को जब पानी चढ़ाया और दे दिया कुछ दूध का धाड़ा दे दिया, बोलो हमको कुछ दो, ऐसा नहीं करना। वांछा कल्पतरु वश्य कृपा सिंधु भवचो पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।